सीटी एग्जाम 2023 जो ट्वेल्थ लेवल का जो पेपर हुआ था 4 फरवरी 2023 को, उसके आंसर की देखेंगे। फर्स्ट परीक्षा पेपर है, सुबह की परीक्षा, तो ये 4 फरवरी 2023 का पेपर है, सुबह की परीक्षा। तो आइए इसके हम आंसर की देख लेते हैं और सभी जो आपको प्रश्नों के आंसर की आपको इसमें लगभग मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, किस समूह के सभी विलोम शब्द जो सही युग्म है, तो आपका कर्तिकी का कर्तज्ञ हो जाएगा। और एक प्रश्न इसमें यह था कि इनमें से कौन सा जो मालपुरा करौली मैदान का भाग है, तो बनास बेसिन है। इधर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर हो जाएगा इसमें। और गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में, ये बेरसा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं, तो ये आपके सी वाला उत्तर इसमें सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो अंतर्दान हो जाएगा इसका आंसर। और एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, खंभे की लंबाई की अंडररूट 3 गुना हो, तो सूर्य का ओनियन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। जोधपुर में जसवंतरा का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था, और कौन सा है जो इसमें से रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है, तो AB+ हो जाएगा। एक थैले में 5-7 के अनुपात में 5-2-1 रुपये के सिक्के रखे हुए, कुल राशि 220 रुपये है, तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो 30 सिक्के इसमें 2 रुपये के होंगे। एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि जो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। नेक्स्ट फिर आपका बूंदी कोटा में कौन सी जो बोली बोली जाती है, तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस खेल के खिलाड़ी है, तो जूडो से संबंधित है। पहला स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, ये पहला जूडो के से पहले खिलाड़ी जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। फिर आपके नेक्स्ट है कि अहमदाबाद के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, तो ये 36वें राष्ट्रीय खेल थे, और राजस्थान में इसने 30 पदक इसमें जीते थे, 3, 3 और 24। राजस्थान में ग्राम पंचायत कितनी है, तो 11,283 इसमें ग्राम पंचायत है। मैं अपने आप चला जाऊंगा वाक्य का सर्वनाम क्या होगा, तो ये निजवाचक है। चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था, ये आपके अक्टूबर ये 2008 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट आपके एक तार 98 सेंटीमीटर सेमी वृत्त का आकार का है, इस तार का वर्ग बनाया जाते हैं, तो आपको वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या यानी कि WBC और RBC की तुलना करनी है, तो WBC की कम RBC की ज़्यादा होती है। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, तो विल्लो लकड़ी जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, तो इसका सही हो जाएगा, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। मुरसली विकास कार्यक्रम 77-78 का है ये, और ये एक क्लॉक का कोड दे रखा है आपको, इसमें आपको MOLEK का आपको कोड बताना है, तो ये 724-95 इसका सही आंसर होगा। किस एक अभिकरण में कालीबंगा उत्खनन के कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, तो ये राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय विभाग जयपुर की ओर से इसका संभाला गया था। भगवान बुद्ध ने पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार ने कहाँ किया गया, तो मंगोलिया में किया गया है। विषम को चुनना है जिसमें और के लाभ के विषम हो जाएगा। और राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत की ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता है। प्रत्यार शासक का नाम बताना है जो न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके अधिपति से भी मुक्त किया था, तो ये आपके नागभट प्रथम है। कलराज मिश्र ये राजस्थान के 41वें राज्यपाल है। किस संप्रदाय के लोग है जो अग्नि नृत्य करते हैं, तो जसनती संप्रदाय हो जाएगा इसमें। और विसंगति का आपको इसमें सही अंग्रेजी शब्द बताना है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्सी वाला, ये आपका सही हो जाएगा। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह आपके डायगोनल ये विकर्ण वाला हो जाएगा संबंध, समान आयनिक विभव तीसरा। और किसी वस्तु का आभासी और विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग अपचयन के निदान में किया जाता है, तो प्रत्यम्ल यानी कि एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इसमें किया जाता है। एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती की जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का प्रतिशत 2% हो जाएगा लगभग इसमें। फिर आपके विपरीत लक्षणों के संकेत जीनी जोड़े को एलील्स कहा जाता है इसमें। और इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये अनुच्छेद 20 जीवन की रक्षा का अधिकारी गलत है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। भूस्थिर उपग्रह लगभग है जो 36,000 किलोमीटर और ये भूमध्य रेखीय तल पर है जो भ्रमण करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। यशो बिलासा में ये विसर्ग संधि का उदाहरण है।
नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन में सूचकांक में जो 2023 इसमें भारत की रैंक 8वीं है, जबकि इससे पहले वाले में 2022 वाले में 10वीं थी, तो दो स्थानों की छलांग लगाई तो इसमें 8वीं हो जाएगी। महाराजा उम्मेद मिल आपके पाली में स्थित है, तीन संख्याओं दे रखी है, अनुपात में इसका औसत दे रखा है, छोटी संख्या ज्ञात करनी तो एक्स का मान इसमें 13 आएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है, डी उत्तर सही है इसमें। 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा इसमें। ये इस बहु गुणनखंड का एक शून्यक है, गुणनखंड तो आपको x बराबर 2 रखे, k का मान ज्ञात करना था तो k का मान इसमें 2 आएगा। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली स्वतंत्र रूप से स्वरूप में आई, तो ये आपके सामान सिंह नागरीदास, बी वाला ऑप्शन इसमें। किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है और सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं, सिद्धांत का उपयोग बताना है, आपका अपकेंद्रण का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597 वाली है, शेरगढ़ हो जाएगी। घुड़सवार में समास आपका तत्पुरुष समास है, घुड़ पर सवार। हेबर प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी है, तो 450 में आयरन हो जाएगा ये। इसका माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी, तो माध्यिका 15 और माध्य इसमें 14 है। नेक्स्ट फिर आपका लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था, ये 1973 में सर्जित हुआ था। इसमें आपको ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये आपका 9:25 हो जाएगा। देखो आपके सीईटी के जितने भी पेपर हैं इन सभी के आंसर की यहाँ पे मिल जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ एक जो सेज की स्थापना की थी, ये जयपुर में की है। राजस्थान में सूखा संबंधित कार्यक्रम का कौन सी गतिविधि नहीं है, तो गरीबी निवारण नहीं होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन। द अडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन ये यूएनईपी के द्वारा करवाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है नए रोजगार के उपलब्ध करवाना। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसको अनुस्मारक कहा जाता है। पोनेट वर्ग में आपके अनौंसी हो जाएगा ये। ब्लामिदीर ये जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। और आपको इसमें अगला सवाल है ये, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह क्षेत्र जहाँ पर जो न्यूनतम वन है तो वह आपके हरियाणा हो जाएगा। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल होता है, तो यीस्ट का प्रयोग होता है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र हैं ये। और इधर पूछा था इसमें आपको आकृति को पूर्ण करना, तो ये वाली आकृति बाहर वाली जो इसके निकलते बिंदु ये इसमें सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस महीने में लगता है, तो ये कार्तिक महीने में लगता है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली इस प्रकाश की किरण जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। ट्रेंच आयोग का जो संबंध है वो आपके बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बीकानेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। अच्छा, बीकानेर के अलावा और कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है अबरार अहमद, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये इसका आंसर हो जाएगा। दृष्टि वैषम्य से उत्पन्न होता है जब कार्निया की आकृति गोली नहीं होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन इसको सौंपता है, तो ये NHRC को सौंपता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है कि इनमें से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो बेरिलियम अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय ये आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, तो 11.04 है। तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में आता है। कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा का राजस्थान के प्रतिनिधित्व में मनोनीत हुआ था, हरिलाल शास्त्री हो जाएगा, ठीक है, हीरालाल शास्त्री। रक्त समूह जो सर्वदाता है, तो ओ हो जाएगा इसमें। और फिर आपका राजस्थान का कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ये बांदला जोधपुर का प्रसिद्ध है और ये जस्ते की बनाई पानी का पात्र होता है। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं, तो ये आपके 10 नगर निगम है, 10,000 नहीं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि कौन से जो वाद्य यंत्र को बेरी कहा जाता है, तो रणबेरी आपके बुंगड़ होता है, इसको रणबेरी कहते हैं। युद्ध के समय बजाई जाती थी। भारत में पहली बाघ परियोजना ये 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। सुमित्रा सिंह जो कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, कौन सी विधानसभा में बनी, तो ये 12वीं विधानसभा में बनी थी, जब देश की राष्ट्रपति भी महिला थी और मुख्यमंत्री महिला राजस्थान की और विधानसभा अध्यक्ष भी महिला थी। सॉरी, ये विधानसभा जो अध्यक्ष थी वो वसुंधरा राजे के समय में थी, है ना।
इसका आंसर हो जाएगा आपके 12वीं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है और शिला देवी का जो मंदिर आपके आमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की जो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एबोनी वृक्ष सदाबहार वनों में मिलते हैं। उसके सेवन में कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर होते हैं, तो 128 होते हैं। फिर ताला पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो पादप पल्वक से होती है। और कौन सा प्रोग्राम यूज़र को इंटरनेट की विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स को देखने में मदद करता है, तो ब्राउज़र प्रोग्राम हो जाएगा इसमें। और क्वाशियोरकोर का जो रोग है वो सामान्यतः किस आयु के बच्चों में होता है, तो 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है, तो आपका अन्वेंशन हो जाएगा। किस सभ्यता के आवास और बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं हो, तो गणेश्वर हो जाएगा ये। साइन अल्फा का मान 3/4 है, तो कोस अल्फा का मान हो जाएगा √7/4। फिर आपको राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। अगला पद बताना था इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा W। ये दे रखा है कि CDR एक प्रकार के CD पर डेटा को सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है, पर कई बार जो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, पीलिया एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में बिलीरुबिन का संचय हो जाता है। फिर सिन को न प्राप्त किया जाता है, तो ये कुनिन से प्राप्त करते हैं, मलेरिया की दवाई है। बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च है, तो इसमें 2.5% हो जाएगा, ठीक है, 2.5%। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आपके रात भर नहीं सोया ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से रजिस्ट्रेशन तो पंजीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनीत पश्चिम से पश्चिम की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसमें वो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर आपके महेंद्रगिरी। 30 सितंबर 2022 को 68वें फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारेख को दिया गया था। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है, तो UAA हो जाएगा। वरद राजस्थान का राजप्रमुख किसे बनाया गया था, तो सवाई मानसिंह को बनाया था। गंभीर और बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। √161 का मान ज्ञात करना है, तो √129 का मान ये 127 हो जाएगा। सुरभि और सुरभि का अर्थ बताने, तो आपके गंद और गाय हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि समीकरण निकाय में आपको बताने की समीकरण के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं कैसी होगी, तो L1/L2 M1/M2 बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका समांतर। फिर ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह अध्यक्ष जो होगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये इसमें सत्य नहीं, बाकी तीनों ही सत्य हैं। तारकसी के जेवर नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप ये गुबन जैसा होता है, तो ये फुल रीन होता है। नेक्स्ट है, उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट हो जाएगा। और विश्वास स्वरूप भगवान शिव की प्रतिमा है नाथद्वारा में। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना, जितते थे पाप पसारी जितनी लंबी सौर। मानसून का प्रत्यावर्तन ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में है। और एक प्रश्न आपके गोले का व्यास वाला था, 3000 गोले पूर्ण भरकर पानी बाहर निकल जाते, तो पानी का आयतन आपको 539 वर्ग ये गन सेमी हो जाएगा। इसमें आपको ढलान ज्ञात करना है, तो ढलान जो होगा आपका, ढलान का सूत्र क्या होता है, टेंजेंट ज्ञात करना है। 11th क्लास का सवाल है ये, 11th मैथ्स का, तो ये m बराबर सूत्र होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो इसमें ये हम माइनस करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 3, बटे में आएगा आपका 1 - 7। एक मिनट इसको वापस करते हैं, तो इसमें आएगा आपके देखो y2 - y1, 1 - 7 करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 - -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा इसमें, 6/5। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 6/5, दूसरा वाला डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका, इसमें स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड कार्य होते हैं प्रोग्राम को चालू करना। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो रेवासा नहीं है, सीकर में है ये। कौन सी परियोजना, कौन सा जिला राजस्थान नगरी है आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं है, तो अलवर नहीं है इसमें। रिंकू 840 रुपये में क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर सोनू को बेचता है, सोनू इसको रोकी को 5% की हानि पर बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 877.80 रुपये। ये चारों ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं इसमें, तो ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प नहीं है, तो शायद इसमें चारों विकल्प ये सही है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का आपका योग याद करना है, तो 1275 हो जाएगा ये। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण से सम्मानित है 2022 में, ये आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। मुख्य समांतर के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली उत्तर लेंस
किरणें उत्तर लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में पैदल चाल सस्पेंशन पुल ढह गया था, वह किस नदी पर बनाया गया था? ये मच्छू नदी के किनारे मच्छू नदी के ऊपर बनाया गया था। ये पूरा आपका पेपर था, इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आने वाले सीटी के जितने भी पेपर है वो उन सभी की आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और राजस्थान जीके के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी ओल्ड पेपर है वो सभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।